हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। मैं सपना सोमानी। देखिए, आज मैं वर्क वाले ब्लाउज में बताऊंगी कि इसमें टक्स कैसे लगाते हैं, गला कैसे बनाएंगे। और ये बेल्ट देखिए, ये वर्क वाली बेल्ट है। ये आगे का फ्रंट नेक है। इस वर्क में ही अपने को ब्लाउज बिठाना है। तो देखिए मैं किस तरह से बिठा रही हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। अब मैंने ना ये वर्क वाला गला है, तो यहाँ से एक एक इंच मैंने एक्स्ट्रा काट लिया, एक्स्ट्रा कटिंग कर ली एक एक इंच की। फिर मैं यहाँ से ऐसे हाफ हाफ कर लूँगी, ऐसे करके ऐसे। इस तरह से ऐसे ऐसे सिलाई लगाऊंगी वापस में। ऐसे 4 टक्स लगाना। ये तो 1 टक्स लग गया 2.5 इंच का। और फिर यहाँ से मैं 1.5 इंच के निशान पे ऐसे लगा दूँगी इस तरह से। इस तरह से मैं ये टक्स लगाऊंगी। टक्स लगा करके अब देखिए गाइस, मैं बेल्ट लगा रही हूँ। इसको ऐसे करूँगी और यहाँ से इसको ऊपर से ऐसे ले लूँगी। और फिर जैसे अपन रोज़ाना लगाते हैं वैसे ही मैं लगा दूँगी। इस तरह से ये टक्स तल जाएंगे। ये टक्स हो गया, इधर बेल्ट का काम हो गया सारा। अब मैं हुपाई की पट्टी लगाऊंगी। हुपाई की पट्टी देखिए कैसे लगा रही हूँ मैं, थोड़ा सा नोटिस करना। अब मैं हुकाई की पट्टी लगा रही हूँ, आप प्लीज ध्यान से देखिए।
इस तरह से 2.5 इंच की पट्टी लेकर के, चौड़ाई लेकर के, और जितनी अपनी हुकाई की लंबाई है उतना पूरा ले लूँगी मैं। और यहाँ पर पहले 1/2 इंच की सिलाई फोल्ड कर दूँगी। इस तरह से लेकर के, और पहले मैं हुक की पट्टी लगाऊंगी ऊपर से नीचे की तरफ। ऊपर से लगा रही हूँ, ये नीचे जाएगी। ऐसे ऐसे जाएगी। अब पहले मैं एक बार एक मशीन और चलाऊंगी इसके ऊपर। इस तरह से ये हुक की पट्टी लगेगी। अब मैं यहाँ से कटिंग कर दूँगी इसकी। देखिए इस तरह से ये एक पोर्शन ऐसे रेडी हो जाएगा इस तरह से। ओके गाइस, अब ये यहाँ पे मैं हल्का सा कटिंग हो जाएगा ये ये शेप कटिंग में जाएगा। देख सकते हैं आप बिल्कुल राउंड में। अब थोड़ी सी गले की भी कटिंग जाएगी। ये हो गया अपना एक पोर्शन रेडी। आगे आगे का पोर्शन पूरा रेडी हो गया है ये। अब मैं इसमें अब दूसरा पोर्शन रेडी करेंगे।